हेलो दोस्तों, तो हम मॉड्यूल वन को ही कंटिन्यू करेंगे। जस्ट वन मिनट बिगिन कर लेते हैं गाइस। गाइस देखिएगा, पिछले वीडियो में हम जो डिस्कस किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सीरीज आया था उसी में ये मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, एक पिछले वीडियो में हम क्या किए थे उसको भी डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में क्या किए थे, ये मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, मॉड्यूल वन मेरा चल रहा है। मॉड्यूल वन में सिलेबस में क्या था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब डायरेक्ट चलते हैं बिना किसी देरी के क्या क्या किए थे पिछले वीडियो में, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूल वन से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। एक मिनट गाइस, जस्ट वन मिनट मुझे दीजिएगा गाइस, वन मिनट। ठीक है गाइस, मॉड्यूल वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। देखिएगा, पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, पहले तो हम देखे थे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है पहले उसका हम फुल फॉर्म जाने। क्या होता है फुल फॉर्म? देखिएगा, सी से होता है कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से होता है पार्टिकुलरली, यू से होता है यूज फॉर, ई से होता है टेक्निकल, ई से होता है एजुकेशनल, आर से होता है रिसर्च। तो ये मेरा कंप्यूटर जो हम स्टार्ट किए थे, तो इससे पहले हम सबसे पहले इसका शॉर्ट जो फुल फॉर्म होता है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, पिछले वीडियो का ये चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या जाने थे कंप्यूटर क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो हम इसमें क्या जाने, कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन परफॉर्म प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। ये ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर को इसी कोई हवा में काम नहीं कर देगा, उसको हम कोई इंस्ट्रक्शन देगा तो वो हमारा वो काम करेगा, या फिर कोई ऑपरेशन होगा तो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हम उसका डिफिनेशन में देखेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा मतलब इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर में हमारा एबिलिटी होता है डाटा को, या जैसे बोल सकते हैं उसको इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और उस पर जो लगाना होगा कैलकुलेशन फॉर्मुलेशन लगाएगा, उसके बाद उसको आउटपुट दे देगा, कहेगा ये लो। ठीक है, तो ये इसका एबिलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर का डेफिनेशन भी जाने गए, कंप्यूटर जो एबिलिटी है उसका भी जान गए। अब जानते हैं कंप्यूटर आखिर में आया कहाँ से, उसका वर्ड कहाँ से प्रमोशन होगा। तो हमारा कंप्यूटर जो वर्ड है ये हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से? लैटिन में किस वर्ड से लिया गया है? तो कंप्यूटरे जो वर्ड है उससे लिया गया है कंप्यूटर। ठीक है, ये जाने थे। उसके बाद क्या जाने? उसके बाद जाने थे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या जाने? पहला हमारा कंप्यूटर क्या था? अबैकस। ये हमारा अर्थ ऑफ कंप्यूटर इसको भी बोला जाता है। ठीक है, अबैकस उसको ये क्या करता था? अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जैसे काउंट नंबर हो गया, जोड़ घटाव हो गया, वो सब करता था। उसके बाद आया था नेपियंस बोर्ड्स। ठीक है, ये क्या करता था? मल्टीप्लाई करता था, डिवीजन करता था। ठीक है, उसके बाद आया पास्कल लाइन, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता था। उसके बाद यहाँ पे आया लेवनिज व्हील, वो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता था। उसके बाद था डिफरेंस इंजन, ये डिफरेंस इंजन मेरा मैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है, इसको बाय चार्ल्स बेबेज के द्वारा लिखा गया था, सॉरी बनाया गया था। और इसको जो ये चार्ल्स बेबेज है, इनको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, इट कैन परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो सिंपल होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग लॉगरिथमिक वो सब करता है। ठीक है, तो ये जाने थे। उसके बाद क्या जाने थे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वहां तक फिगर नहीं दिखाए थे, यहाँ पे फिगर दिखा देते हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले वीडियो में क्या किए थे। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन कहाँ दिखा था? चला था 1946 से 1959 तक चला था। वो हमारा वैक्यूम ट्यूब के आधार पे था। यहाँ पे देखिएगा, ये सब जो है वैक्यूम ट्यूब ही है। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब का है। ठीक है, ये हमारा मॉडर्न जो कंप्यूटर बना था वैक्यूम ट्यूब का यूज करके वो है। इसका बस ड्रॉइंग वाला सॉरी कलरफुल फिगर ये है। ठीक है, वो हमारा मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो होता है 01, उस पर आधारित था। इस सब के बाद बारे में बात करेंगे पूरा वीडियो में, आगे जैसे जैसे वीडियो आएगा सब पर डिटेल वीडियो होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर भी देख लीजिएगा, ये मेरा वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पे वो कंप्यूटर जो बनाया गया हुआ है, यहाँ पे उसका कलरफुल फिगर है। ठीक है, ऊपर में देखिएगा, ऊपर में हमारा वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसका सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में क्या था? 59 से लेके 65 तक चला। ये हमारा ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस था। ट्रांजिशन क्या होता है ये देखेगा, ये जो हमारा ये है इसको ट्रांजिस्टर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेगा ट्रांजिस्टर को कैसे यूज किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहा था, ये जो हमारा बना था कंप्यूटर, ये हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, बस इतना जान लीजिए अभी हमारा ये असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसके बाद आया था थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 62 से लेकर 78 से चला था, यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा है ये हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, कंप्यूटर दिखने में कैसा था? दिखने में कुछ अच्छा था, यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है।
ठीक है, ये हमारा हाईअर लेवल लैंग्वेज पर आधारित था, ये भी क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना भी जान लीजिए ये हमारा ये हाईअर लेवल लैंग्वेज पर ये काम करता है, सॉरी बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन हमारा 71 से लेकर 80 तक चला, ये यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे देखिएगा फिगर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लगा है, ये हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पर लिखा गया बनाया इसका यूज करके बनाया गया था, ये हमारा हाईअर लेवल लैंग्वेज पर आधारित था। ठीक है, उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन 80 से लेके अभी तक यही चल रहा है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था, सब मतलब AI जिसको बोलते हैं, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज किया गया था, ये भी मेरा हाईअर लेवल लैंग्वेज पर आधारित था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मेरा AI का यूज किया गया है, यहाँ पे कुछ ऐसा मेरा कंप्यूटर है जो हम यूज करते हैं फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद आगे ये इतना हम डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो में, अब ये मेरा ये भी डिस्कस क्यों किए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम फिगर तो नहीं दिखाए हुए थे, इसीलिए इसमें डिस्कस किया ताकि फिगर देख ले। अब हम डिस्कस क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे अभी सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले क्या था, बैक्यूटी आया था, ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल अल्ट्रा लार्ज, ठीक है ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद आया मेरा आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर था पिछले वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर होता क्या है, अब जानेंगे डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसका डिफिनेशन जानिएगा, तो पहले उसका डिफिनेशन दिखा देते हैं, डिफिनेशन देखिएगा, ए डिजिटल कंप्यूटर इज अ कंसीडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक प्रोसेस, या इसे समझिए इंग्लिश में लिखा हुआ वो पढ़ लीजिएगा, ये क्या इसका लिखने का मतलब क्या है वो हम बताते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में कंप्यूटर ही है क्योंकि कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही रहेगा, और यहाँ पर आप वेरी स्पीड से, बहुत ज्यादा इनॉर्मस स्पीड, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज्यादा, ज्यादा स्पीड से मेरा कोई भी प्रोसेस को या कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, ये मेरा क्या हो गया डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर समझ में आ गया क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन को मेरा बहुत फास्टली करता है। ठीक है, वही मेरा डिजिटल कंप्यूटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम करने का मतलब इसमें डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या था ये देखते हैं क्या क्या था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम में एक इनपुट देते हैं, इनपुट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बताया गया है डॉट डॉट जो हमारा एरो है वो हमारा कंट्रोल फ्लो का बताता है, और जो हमारा ये डार्क एरो है वो हमारा डाटा फ्लो को बताता है। यहाँ देखिएगा मेरा यहाँ से क्या हो रहा है, डाटा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से यहाँ मेरा डाटा फ्लो हो रहा है, इनपुट दे रहे हैं डाटा को, कंट्रोल मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ डॉट डॉट वाला देखिए कंट्रोल मेरा आ रहा है इनपुट के पास, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल भेज रहा है यूनिट इनपुट के पास, आप ये इनपुट दीजिए, इनपुट देंगे तो कहाँ जाएगा वो मेरा मेन मेमोरी, यहाँ पे देखिएगा यहाँ मेरा मेन मेमोरी है, यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल मेमोरी जो हम पेन ड्राइव पर लगाते हैं वो है, यहाँ पे मेरा ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मेरा कंट्रोल यूनिट है, ये सब मेरा प्रोसेस कंप्यूटर का पार्ट है, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेरा इतना है इतना, और ये मेरा दोनों स्टोरेज यूनिट का है पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेन मेमोरी है, ऑक्सिलरी स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ से इनपुट मेरा आया, पूरा को क्लियर करते पहले चलिए पूरा को क्लियर कर देते हैं, काफी हॉच पॉच हो गया है, पूरा हॉच पॉच हो गया गाइस, इसको हम पहले करते हैं इरेज, क्या करें इरेज ऑल, इरेज हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा पहले डाटा आएगा, ठीक है डाटा आया इनपुट से, कंट्रोल कहाँ आएगा इनपुट पे, इनपुट यूनिट पे कंट्रोल आएगा तब ना हम डाटा भेजेंगे, तो मेरा क्या किया यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल यूनिट क्या किया, इसको कंट्रोल दिया, यहाँ पे इनपुट भेजिए, इनपुट भेजेगा कहाँ जाएगा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से अगर हम सेव कर देते हैं तो सेव करेंगे तो वो मेरा जो हमारा HDD होता है हार्ड डिस्क होता है उसमें आकर सेव होगा। ठीक है, अगर एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेगा मेन मेमोरी ऊपर भेजेगा, ऊपर या मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को वो मेरा जो डाटा दिए हैं उसको भेजेगा वो। ठीक है, और वो कैलकुलेशन करके वापस इसको देगा और ये हमारा एग्जीक्यूट करके आउटपुट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हम जानते हैं ये तो जान गए ये सब कहाँ करता है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे मेरा लास्ट में सब काम होने के बाद वो हमें प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो जान गए, तब यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है सबके बारे में कुछ कुछ जान ले ज्यादा अच्छा होगा, तो चलिए अगले स्लाइड में जानते हैं ये सब के बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वर्ड डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, यहाँ पे देखिएगा इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट क्या होता है जो इनपुट देने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या है, कंप्यूटर नीड टू रिट्रीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, देयरफॉर वी नीड इनपुट एंड डाटा इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी कंप्यूटर को कोई भी कैलकुलेशन करवाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो इनपुट देना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेरा इनपुट यूनिट का यूज होता है, ये लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज यूनिट क्या होता है, डाटा को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए डाटा को, क्यों पकड़ेंगे,
क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा पावर ऑफ हो गया तो डिलीट हो जाएगा ना, इसलिए मेरा स्टोरेज यूनिट डाटा को सेव करने के लिए काम देता है। इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ मतलब उसका बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आउटपुट यूनिट है, मेरा इनपुट हुआ, प्रोसेस हो गया, सब काम हो गया, तो हमको पता कैसे चलेगा मेरा काम हो गया, आउटपुट देखाएगा तब ना। तो यहाँ पे वही लिखा गया, द आउटपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड टू द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट वर्ल्ड, बाहरी दुनिया को आउटपुट क्या रिजल्ट आया नहीं आया वो दिखाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख लीजिएगा, मेरा इनपुट यूनिट का कीबोर्ड माउस स्कैनर हमारा एग्जाम्पल है, आउटपुट यूनिट का प्रिंटर डिस्प्ले प्रोजेक्टर, ये सब मेरा आउटपुट यूनिट का हुआ, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे मेरा है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, देखिएगा इसका डिफिनेशन, ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड इन द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जितना भी हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होता है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है, मतलब ALU ऑफ द कंप्यूटर इट ऑल्सो डज कंपेरिजन एंड टास्क, ये छोटा मोटा डिसीजन भी ले लेता है, ठीक है। ALU क्या करता है, हमारा सारा अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है और ये डिसीजन भी लेता है, कौन कौन सा प्रोसेस करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करता है, ठीक है। ये मेरा जो लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा, मतलब हम सिर्फ बता दिए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारा जो हमारा यूनिट है जैसे कि इनपुट यूनिट हो गया, ALU हो गया, और क्या था आउटपुट यूनिट, सबको कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे देखिएगा, इट कंट्रोल ऑल अदर यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कंट्रोल अदर इंस्ट्रक्शन, सब इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा, किसके पास क्या जाना है नहीं जाना है वो हमारा कंट्रोल यूनिट करेगा, ठीक है। जो लिखा है पढ़ लीजिएगा, मतलब आप सिर्फ बता दिए, सिंपल भाषा में बता दिए, ये सबको कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना राज की बात होता है, ये कुछ होता नहीं है, बस दो चीज को मिला दिएगा तो मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बन जाता है, कौन कौन, यहाँ पे देखिएगा, द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर आर टूगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल यूनिट और ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बन जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ये दोनों को मिला जाएगा तो मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन कौन कर रहा है, मेरा ALU, तो उसके अंदर में नाम किसका होगा, CPU का, इट टेक ऑल डिसीजन को लेता है, ALU लेता है, लेकिन नाम किसका हो रहा है, CPU का, क्योंकि उसी के अंदर में नाम तो उसी का होगा, इट कंट्रोल ऑल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, लेकिन नाम हो रहा है किसका, CPU का, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और ALU मेरा CPU के अंदर में ही है ना, इसलिए CPU का नाम हो रहा है, ठीक है। ये कितना क्लियर हुआ, तो ये मेरा सब पार्ट का पार्ट डिस्कशन हो गया, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा ये मॉड्यूल 1 का हमको PDF चाहिए, तो आप सेंड कर दीजिए, ठीक है, हम सेंड कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप ज्वाइन होना पड़ेगा, आप बोलिएगा तभी हम शेयर करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, वो सब तो पढ़ लिया, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसका एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में क्या होता है, CPU, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब मेरा हार्डवेयर हुआ, और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मेरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे MS ऑफिस यूज करते होंगे, फोटोशॉप यूज करते होंगे, गेम जैसे कि म्यूजिक, और यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलाइजर, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं चल सकता है, इतना चीज याद रखिएगा। तो आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया, पहले तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम बताए, उसके बाद मैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करके बताया, और उसका जो जो कंपोनेंट है, ब्लॉक डायग्राम, जो जो कंपोनेंट है उसके बारे में बताया, और यहाँ पे कंपोनेंट हम कंप्यूटर बताएं, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो सही रहेगा, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बंद करते हैं गाइस।